लो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया लूसी एल्फेन लाइट, जिसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 1-4। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उससे पहले अपनी प्रथा पूरी कर लेते हैं इंट्रो की। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है, या फिर कहूँ सिक्योरिटी गार्ड्स को, जिनके हाथ काटे होते हैं और एक लड़की सामने तरफ बंधी होती है। एक्चुअल में इसी लड़की का नाम लूसी है और ये जेल से फरार हो जाती है। और मैं बता दूं कि ये लड़की ह्यूमन नहीं है, एल्फन है, जिनके कान बड़े होते हैं और वो फाइटिंग करने में माहिर होते हैं। एक्चुअल में इनके पास एक सीक्रेट वेपन भी था और इन्हीं लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, यानी कि इन्हीं एल्फन पर। तभी वो लड़की आज़ाद हो जाती है और उन सभी पुलिस वालों को एक एक करके धो देती है। यहाँ पे सभी लोग उसे रोकने के आते हैं, इवन चीफ भी आते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिस पर वो काफ़ी ब्रूटली तरीके से उसे ख़त्म कर देती है। चीफ को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे रोकते भी हैं, ऐसा करने से मना करते, लेकिन वो उस लड़की का गर्दन उसके धड़ से काफ़ी बुरी तरीके से अलग कर देती है। यहाँ पर उस पर हमला भी किया जाता है, लेकिन उस लड़की को शील्ड की तरह यूज़ करके उस जगह से बच जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चीफ के पीठ पर एक हाथ का निशान बनाया और ये लूसी के द्वारा किया जाता है। लूसी को एक जगह कैद भी कर लिया जाता है, लेकिन वो काफ़ी होशियार थी। वहाँ से वो गार्ड्स उन्हें जाने के लिए रास्ता देते हैं और ये बात उस चीफ को पता चलती है। चीफ बोलता है कि ठीक किया तुम लोगों ने, अब बस एक काम करो, उस लड़की पर अब अपने गन्स को लेकर तान दो, मतलब बुलेट्स शूट कर सकते हैं उस पर। और ऐसा ही करते हैं ये लोग और उस पर शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो जान पानी के अंदर चली जाती है और वो बहकर कहीं दूसरी जगह भी निकल सकती है। पर में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूका है, और ये लड़की एक लड़के को मिलने जाती है जो भी स्टेशन पे इसका काफी देर से वेट कर रही थी, और इस लड़के का नाम यकूडा है। एक्चुअल में ये दोनों बचपन में फ्रेंड हुआ करते थे और इसी जगह पर ये लोग घूमने आया करते थे। आज ये लोग बड़े हो चुके हैं और ये लोग घूमने आते हैं बीच पर, लेकिन तभी उन्हें ये मिलती है लड़की, यानी कि लूसी। पता चलता है कि लूसी की याददाश्त जा चुकी है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गजनी भाई, जिनकी बहन का नाम सजनी बहना है, और ये देखकर ये समझ जाते हैं कि हमारी बहना सजनी है, हाँ नहीं तो। और ये गिरने के बाद काफी ज्यादा रोने लगती है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जापान के पुराने रेस्टोरेंट में ये लोग ले जाके उसको, मतलब ठीक से रखते हैं, ले जाके उसको कहा। हाँ, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उनके साथ ही रहने वाली है और वो लोग उसे काफ़ी अच्छी तरीके से रखते हैं, खाना पीना खिलाते हैं और बाकी चीज़ें। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ से वो भागी होती है, इवन उसने पूरी पूरी जगह को तहस नहस कर दिया होता है, और ये लोग चेक करते हैं तो सिक्योरिटी भी पूरी तरह से ठीक होती है। यहाँ पे वो चीफ से पूछती है, चीफ अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि गार्ड की पूरी तरह से जॉब कर रहा होता है। एक्चुअल में ये एक सोल्जर है और ये अपने काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। यहाँ पे उसे एक लड़की बुलाने आती है, लेकिन वो उसे एक पंच में उड़ा देता है और कहता है कि मेरे रास्ते में अगली बार मत आना। बोलते हैं परफेक्ट, और उन्हें इसी तरह के लोगों की जरूरत थी जो कि लूसी को खत्म कर सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यकूडा अपनी बहन की दी हुई आखिरी निशानी को देख रहा होता है, जो कि उसने उसके बचपन में दी थी और उसे आज तक उसने संभाल के रखा, लेकिन लूसी बच्ची थी इसलिए उसने उसे तोड़ दिया। और यकूडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे काफी ज्यादा डांट फटकार भी लगाता है, अरे गलत जगह मत पकड़ भाई, छोड़ दे। हाँ, और यहाँ पास से म्यू यानी कि लूसी उस जगह से भाग जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चॉपर के अंदर सभी के सभी सोल्जर्स बैठे हुए हैं, और काफ़ी कूल तरीके से बैठा है हमारा खतरनाक सोल्जर, जो कि लूसी के बारे में ही सोच रहा होता है। लूसी इस टाइम पे बच्चे की तरह हो चुकी थी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑर्फन होती है। खैर, सीन शिफ्ट होता है और वह पता चलता है कि चॉपर के अंदर सारे की तरह के ऑर्डर्स दिए जा रहे थे, लेकिन हमारा जो सोल्जर होता है वो बिना सुने बोलता है ठीक है, उसके पास सीक्रेट वेपन है, फन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा उसके साथ, और ये कहकर वो उस जगह से निकल जाता है, यानी चॉपर से जंप लगा दिया बंदे ने, काफ़ी हिम्मत वाला है। लूसी यहाँ पे अपना पोज देते हुए ढूंढ रही होती है कुछ, और ये शायद वही शेल ढूंढ रही है। यहाँ पे दो बंदे आते हैं जो कि पुलिस वाले होते हैं और यकूडा से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और वो कहते हैं क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है। एक्चुअल में ये फ़ोटो होती है लूसी की, यानी कि म्यू की, और ये वो देखकर बोलता है कि नहीं, मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा और मेरे साथ ये कभी नहीं आई।
यहाँ से वो लोग चले जाते हैं और वो छाता लेकर उन्हीं लड़की को ढूंढने चला जाता है। वहाँ पे हमें दो सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि बीच पर आ जाते हैं और गाना गाने लगते हैं, गोवा वाले बीच में गोरी आंखें मींच के। तभी उन्हें लूसी दिखती है और यह सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हमें युका को दिखाया जाता है जो कि पुलिस वालों से मदद मांगती है। यहाँ पे हमें कूडा को दिखाया जाता है जो कि लूसी को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पे दो सोल्जर्स आ जाते हैं और यकूडा पर अपनी गन तान देते हैं और कहते हैं कि इस रास्ते से हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें यहीं पर ठोंक दिया जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता, उस लड़की को बचाने के चक्कर में साला लड़की को बचावेगा, पहले खुद को बचा ले। यहाँ पे वो सोल्जर आता है और बोलता है सामने से हट जाओ नहीं वरना मारे जाओगे। यहाँ पे वो बोलती है ठीक है मुझे याद आ गया कि वो लड़की कहाँ हो सकती है। एक्चुअल में वो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई थी होती है और उसे समझ में आ जाता है कि लूसी पक्का हो ना हो बीच में ही गई होगी क्योंकि उसे गोवा वाला बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हमें लूसी की फोटो दिखाई जाती है जो कि पुलिस स्टेशन में पड़ी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है युका को जो कि वहाँ पर पड़े युकुडा को देख कर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर उन गार्ड्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में कर दिया होता है। यहाँ पे वो उसे घसीट कर ले जा रहे होते हैं लेकिन दूसरा गार्ड बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस लड़की ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे हमें हार्मफुल हो। तभी वो उसे पर काफ़ी गंदी तरीके से वार करती है और उसे घायल कर देती है। यहाँ पे दूसरा गार्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा खूनखार था बोलता है अब लड़ाई करने मज़ा आएगा, लेकिन देखते ही देखते वो उसे भी ख़त्म करने के कगार पर ला देती है। उसके हाथों को और पैरों को काफ़ी ब्रूटली तरीके से काट देती है और उसकी आंखों पर भी अपने हाथों से चुभो देती है। एक्चुअल में उसके पास कई अलग अलग तरीके के हाथ भी होते हैं। यहाँ पे वो अपने हाथों में शेल देखती है जिसके बाद उसके सर में दर्द होता है और वो फिर से म्यू बन जाती है यानी कि युका और यकूडा वाली लड़की। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी ऑर्फन गर्ल को जिसे हमने पहले एपिसोड्स में भी देखा था। खैर यहाँ पे वो गर्ल्स गार्ड की मदद करने के लिए आती है और बोलती है मेरे को हॉस्पिटल में फ़ोन लगाती हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यकूडा काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ पर वही दो पुलिस वाले सोल्जर आ जाते हैं इसे पूछताछ करने के लिए। यहाँ पे हमें उसी ऑर्फन वाली गर्ल को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर पहुँचती है लेकिन वो बंदा जा चुका था यानी कि वही सोल्जर। यकूडा और युका दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं यू के लिए यानी कि लूसी के लिए, लेकिन लूसी पहले ही घर पर पहुंच चुकी थी और यकूडा ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके हाथ में वही शैल है जो उसकी बहन ने कभी दिया था। यहाँ पे युका देखती है कि उसके पास चाबी तो यहीं रह गई है घर की, तो वो वापस से उन्हें चाबी देने के लिए जाती है और वो पुरानी बातों को याद करती है जहाँ पे उसने प्रॉमिस किया था यकूडा ने युका को कि मैं वापस जरूर आऊंगा। यहाँ पे वो उसके कपड़े चेंज करता है आंख बंद करके, कपड़े चेंज करेगा खैर यहाँ पे वो आंख बंद करके कपड़े चेंज करने की कोशिश करता है जिसका सीन शिफ्ट होता है और हमें हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें चीफ को दिखाया जाता है जो कि सामने बैठी एक लड़की को दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये लड़की भी एक एल्फन है, एक टेक्स्ट सब्जेक्ट है। खैर यहाँ पे युका आकर देखती है कि उसके कपड़े चेंज करते वक्त वो वहाँ पर थी। यहाँ पे वो उससे बोलती है कि हम लोग शायद मेले के लिए जा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे वो लड़की अपने फादर बुलाना कोशिश करती है। एक्चुअल में वो उसका फादर नहीं है, टेस्ट सब्जेक्ट है बस वो लड़की, लेकिन वो उसने पहली बार देखा था उस लड़के को यानी कि चीफ को, जिसकी वजह से उसे वो फादर समझती है। वो फादर हमेशा बोलती रहती थी और सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है युका को जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसे पुरानी बातें फिर से याद आती हैं जब यहाँ पे यकूडा ने उसे ये सारी चीज़ें दी थी जब वो फंक्शन में गए थे यानी कि मेले के अंदर। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में लड़की एक टेस्ट सब्जेक्ट थी जो कि यहाँ पे बताया गया है और इस पर एक काम आ गया यानी मिशन लूसी को पकड़ने का। यहाँ पे यकूडा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है और वो पानी मंगाता है लेकिन लूसी को समझ में नहीं आता इसलिए वो कुछ भी लेकर आती है, जिसके बाद वो एक बार युका को बुलाती है और युका उसके पट्टी करती है यानी कि पानी वाला पट्टी, और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चीफ को जो कि मिलने गया होता है सोल्जर से और सोल्जर बोलता बताता है कि मुझे जाने दो, मुझे उस लड़की को ख़त्म करना है। तभी वो बताता है कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन लड़कियों पर, एक्चुअल में ये एक एल्फन है, इन्हें पता था कि ये अलग ही तरह की स्पीसीज है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि यकूडा की तबीयत अब ठीक हो चुकी है पहले से। यहाँ पे लूसी काफ़ी अच्छी तरीके से कपड़े पहनती है जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती है। यहाँ पे हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हर बार चीफ को फादर फादर कह रही होती है और वो वहाँ पास में पहुँचती है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं फादर का आपको खुश कर दूंगी इस मिशन के बाद। यहाँ पे वो चीफ से एक चीज़ भी मांग लेती है जिसके बाद चीफ बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें ये चीज़ दे सकता हूँ।
और वो उसे दे देता है और वहाँ पास से वो चली जाती है लड़की चॉपर में बैठकर। खैर यहाँ पे ये लोग सफाई कर रहे होते हैं और हमारी लूसी को ऑर्गनम जाग जाता है और वो बोलती है कि मेरे ब्रेस्ट पर टच करो, और ये चीज़ यूका देख लेती है और उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए खड़े खड़े उसके साथ रा-ए-ई-पी कर देती है। खैर यहाँ पे वही लड़की ऑर्फन लड़की आती है उनका छाता लौटाने के लिए और बताती कि इस रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ था इसलिए मैं इस छाता को पहुँचाने आई हूँ। यूका को यकूडा को ये भी पता चलता है इस लड़की के थ्रू कि उस रात वहाँ पर थी जब उन पर अटैक किया गया था सोल्जर्स के थ्रू। यहाँ पर हमें यूका को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है कि एक और लड़की अब यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे वो ये भी बताता है यकूडा कि ये वहाँ पर थी जब लूसी काफ़ी ज़्यादा तबीयत मतलब सोल्जर्स उसे उठाकर ले गए थे। लूसी एक बॉक्स को उठाती है लेकिन उसी वक्त वो फिसल जाती है और उसके सर पर चोट लगती है। चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। यहाँ पे वो उसे ठीक रहने की बात पूछता है और उसे गुस्सा आ जाता है, यानी कि लूसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है यकूडा के ऊपर, और वो अपने इनविजिबल हाथ से उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन उसके बचपन वाला रूप देखकर उसे कुछ याद आ जाता है और ये याद आता है यकूडा का बचपन जहाँ पे लूसी शायद उसके बचपन से ही पहले से मिली हुई है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की को बार बार उसका नाम और पता पूछते हैं जहाँ पे वो लड़की नहीं बता पाती क्योंकि वो ऑर्फन थी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो उस जगह से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक पे होती क्योंकि उसका डॉग उस जगह पर नहीं होता। यहाँ पे वो अपने डॉग को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पास से सीन कट होता है। पास से वो टाई मांगती है और टाई हमारा दे देता है चीफ काफ़ी ज़्यादा प्यार से और वो अपने सर पर बांध देती है और उसे लूसी मिल भी जाती है क्योंकि लूसी की याददाश्त अब आ चुकी थी। यहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए घर पे। लूसी मना कर देती है और कहती है कि तुम जाओ, वैसे भी मैं अपनी स्पीसीज पर हमला नहीं करती हूँ, और यहाँ पे उसे वो हल्का सा जख्मी कर देती है। लेकिन उसने अपने फादर से वादा किया था कि वो लूसी को वापस लेकर आएगी इसलिए वो उस पर फिर से हमला कर देती है लूसी पर। एक्चुअल में ये टेस्ट नंबर 7 यानी कि लूसी का नंबर 7 था उस टेस्ट में। खैर यहाँ पास से उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारती है और उसे हवा में ही उड़ा देती है। यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं थी लूसी से लेकिन लूसी पर टक्कर अच्छी दे पा रही थी। यहाँ पे लूसी बोलती है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अभी भी परेशान होते हैं और इस बात को याद कर रहे होते हैं कि कैसे बचपन में तुम मेरे लिए हर चीज़ करने को रेडी थे। यहाँ पास से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और उस टनल्स के थ्रू निकल जाती है अपने घर के लिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में है क्योंकि लूसी ने उस पर काफ़ी ज़्यादा वार किए हैं। एक सेकंड ऐसा भी आता है जहाँ पे लूसी फंस जाती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है, ऑर्फन लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से मिलने आती है और वो लड़की हमेशा उसे खाना दिया करती थी इसलिए वो उस जगह पर आती थी और उसका कल बर्थडे था। यहाँ पे यूका ये चीज़ देख लेती है और समझ जाती है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है। यहाँ पे वो देखती है कि ये हमारी लूसी कहाँ पर है, उनके बीच में फाइट होती है और ऑर्फन लड़की को ये चीज़ दिख जाती है। यहाँ पास से दिखाया जाता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर होती है। लूसी फंस भी जाती है क्योंकि उसके इनविजिबल हाथ लूसी के पैर तक पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पे उस लड़की के आ जाने वजह से वहाँ पे लूसी उस लड़की को यानी कि मार देती है, उसके हाथ और पैर काट देती है जो कि लूसी को वापस ले जाने के लिए आई थी। उसके हाथ और पैर कटे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो जो बच्चे हैं तो वो ना देखें ये। खैर यहाँ पे चीफ आ जाता है, उस चीफ लड़की को उठाता है और कहता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो हम तुम्हें बचा लेंगे। एक्चुअल में वो बार बार पापा पापा बोलकर ये भी रिवील करती है कि मैं आपका काम नहीं कर पाई। यहाँ पे साइंटिस्ट ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि लूसी उसे कुछ भी नहीं कर रही, जबकि लूसी ने के ऊपर अभी चीफ ने एक ज़बरदस्त पंच मारा। यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसने अपने फादर का दिया हुआ काम नहीं कर पाई। यूका उस लड़की के पास जाती है यानी कि उसी दुकानदार वाली लड़की के पास और उसे पता चलता है कि वो लड़की ऑर्फन है और उसके साथ एक कुत्ता भी रहता है। खैर चॉपर के अंदर ये लोग बैठे होते हैं और यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका होता है। चीफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और तभी चीफ को कॉल आता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें अगला काम क्या करना है। यहाँ पे यूका को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा शौक भी होती है कि लूसी अभी तक घर नहीं पहुँच पाई क्योंकि वो खो गई थी और लूसी उसे मिल जाती है। यहाँ पे हमारा यूकाउडा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि शाम हो चुकी थी। अब हमें पता चलता है कि ऑर्फन की लड़की को भी घायल कर दिया गया था लूसी के थ्रू,
लूसी के घर पे जब आती है वो ऑर्फन लड़की, ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होती कि यही कुछ देर पहले किसी लड़की का उसने कत्ल कर दिया था। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाती है। तभी वो लड़की को बोलते हैं, ठीक है तुम अब जा सकती हो नहाने के लिए और खाना भी खा सकती हो हमारे यहाँ आज। यूका यकूडा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़कती क्योंकि उसे बचपन की कोई भी बात अब याद ना रही। यहाँ पे ऑर्फन लड़की इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि काफ़ी सालों बाद उसे नहाने और कच्चा खाना खाने का मिलेगा। अच्छा खाना खाने की बात सुनकर सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन दोनों बंदों को जो कि चीफ और उसके बगल में खड़ी लड़की, जो कि यहाँ पे उस टेस्ट सब्जेक्ट को इंजेक्शन देने आए होते हैं यानी कि पॉइजनस इंजेक्शन। यहाँ पे चीफ उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि पापा आप कर सकते हो, आप मुझे मार सकते हो क्योंकि अब मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं बची। और वो ये भी बताते हैं कि मैं इन फ्यूचर आपके किसी काम में नहीं आने वाली। यहाँ पे उसे पॉइजन दे देता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, मतलब रुला देने वाला सीन था भाई। और जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते लेके आने वाला हूँ जो कि आप लोग काफ़ी दिन समय से वेट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शेड्यूल इतना बिजी है। थैंक यू।